वीरवार को झज्जर पार्टी कार्यालय में युवा सम्मेलन को संबोधित करने आए अर्जुन चौटाला ने अपने संबोधन में दुष्यंत चौटाला को जमकर कोसा। काफी तरक भाषा का प्रयोग करते हुए अर्जुन ने कहा कि दुष्यंत को नई पार्टी का सिंबल टोपी मिलेगा क्योंकि उन्हें लोगों को गोली देने की पुरानी आदत है। जनता को बरगला रहे हैं, इन्होंने हमेशा तारीख पे तारीख देने का काम किया है, एक तारीख से दूसरी तारीख पे। केवल जनता को नहीं बरगला रहे बल्कि अपने खुद के वर्करों को जिन्होंने उनका साथ दिया ये उनको भी लटकाने का काम कर रहे हैं। इन्होंने हमेशा से आगे तारीख देते आए हैं। बड़ी मुश्किल से इन्होंने तो नाम सोचा है, बड़ी मुश्किल से इन्होंने कलर सोचा है। थोड़े दिन में इनका सिंबल भी आ जाएगा और मैं तो कहूंगा इनका सिंबल अगर आप देखोगे ये ट्रॉफी का सिंबल लेने वाले हैं क्योंकि इनकी आदत है लोगों को गोली खिलाने की। पार्टी कार्यालय आने से पहले अर्जुन दुष्यंत समर्थकों द्वारा हाल ही में बनाए गए अस्थायी कार्यालय पहुंचे और वहां उन्होंने मौजूद लोगों का आशीर्वाद लिया। अर्जुन चौटाला ने कहा कि उन्हें पहले पता था कि सारा झगड़ा कुर्सी का है मगर फिर भी वे अपने बड़े भाई के साथ हमेशा खड़े रहे। हमारी तरफ से तो कभी हमने चुप करने की कोशिश नहीं करी, मान सम्मान हमने हमेशा पूरा दिया। आज जैसे कि आपने देखा शायद से ही आज आपने मेरा भाषण पहली बार सुना होगा या मैं कभी पब्लिक में बहुत ही कम आया क्योंकि जितना मान सम्मान था जितने पद थे हमने कोशिश करी कि हमेशा बड़े भाई का पहला पद है उन्हीं को दिया जाए। उन्होंने एमपी भी बनाया, दिग्विजय सिंह जी इनसो के राष्ट्रीय प्रधान भी रहे, मेरी ताई जी डवाली से एमएलए भी थी और हैं अभी फिलहाल, और अजय सिंह जी हमारे राष्ट्रीय महासचिव भी रहे। तो हमने हमारी तरफ से कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। कहीं ना कहीं हमें लगता था ये रोड़ा सीएम की कुर्सी का है पर आज हमें पता चलता है कि ये तो रोड़ा इनका थोड़ा कुर्सी बांटने पर ज्यादा का है। उन्होंने कहा कि वो पार्टी छोड़कर नहीं गए बल्कि हमने उन्हें पार्टी से बाहर निकाला है। वो INLD को तिलांजलि कैसे देंगे जब हमने उनको बाहर निकाल दिया, तो किस बात की तिलांजलि देंगे? लोग तो तिलांजलि अपने पुरखों की देने जाते हैं और उनके तो बड़े बुजुर्ग आज भी जिंदा हैं, आज भी घर में बैठे हैं, तो ये किस बात की तिलांजलि देने जा रहे हैं? मैं तो कहूँगा इन्होंने जगह बड़ी गलत चूज़ करी। लोग तो शुभ मुहूर्त कहीं कोई कुरुक्षेत्र से शुरू करता है, कोई कहीं से कुछ शुरू करता है, जहाँ लोग ख़त्म होने जाते हैं वहाँ से ये पार्टी का गठन कर रहे हैं। मेरे को तो नहीं लगता ये पार्टी भी ज़्यादा चल पाएगी। क्या आपको लगता है?